वैश्विक महामारी कोरोना ने देश की स्थिति को काफी गंभीर कर दिया है। लॉकडाउन लगने से पहले पूरे देश के अस्पतालों की स्थिति यह थी कि कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए ना तो बेड्स उपलब्ध थे और ना ही ऑक्सीजन, जिसको लेकर के सभी राज्य सरकारों ने इसका जिम्मा केंद्र सरकार को थोप दिया था। यानी कि कहा जाए कि इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के सर पर ठहरा दी थी। तो वहीं पर अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी की बात को स्वीकार करते हुए ही कोविड 19 इस शताब्दी की सबसे बड़ी और अकल्पनीय महामारी है। हम मानते हैं कि देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई थी, लेकिन इस कमी को पूरा करने में पीएम मोदी ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने केवल हफ्ते के अंदर ही देश से ऑक्सीजन की कमी को दूर कर दिया था। इसके लिए पीएम मोदी ने जिन जगहों पर ऑक्सीजन की कमी हुई थी उन स्थानों पर जल, थल और नभ के माध्यम से भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध करवाया था और ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया था। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि जहां पहले देश में 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता था, तो वहीं पर पीएम मोदी के प्रयासों के कारण ही अब ऑक्सीजन का उत्पादन 9,446 मीट्रिक टन हो गया है। अब देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। स्पेशल डेस्क से प्रिंस परमार की रिपोर्ट।